की जय। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। कुछ दिन पहले हंजीरा गांव की दो बेटियों ने, दो बहनों ने ऐसा अचीवमेंट हासिल किया था कि उसकी वजह से 45 के अंदर इसी धर्मशाला के अंदर उनका भव्य सम्मान समारोह किया गया था और उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। कुछ इसी तर्ज पर इसी तरह का एक और भव्य कार्यक्रम आज चोपटा के इस धर्मशाला में एक बार फिर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर अब दो लड़के हैं 45 क्षेत्र के ही, एक है अजीत सोनी जो कि नाथुसरी कलां गांव का रहने वाला है और दूसरा है निखिल पुनिया जो कि हंजीरा गांव का है। और इन दोनों खिलाड़ियों ने, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता हरियाणा की तरफ से ये खेल रहे थे और ये प्रतियोगिता तमिलनाडु के अंदर आयोजित हुई थी और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस टीम के दोनों ये जो खिलाड़ी है वो हिस्सा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इधर पूरे इनको खुली गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं और इनको फूल मालाएँ पहनाकर स्वागत इनका हुआ है। गुलाल उछालकर इनको भव्य स्वागत करके और सजी हुई गाड़ी के अंदर इनको यहाँ से लेकर जा रहे हैं और पहले इनको नाथुसरी कलां गांव के अंदर लेकर जाएंगे और उसके बाद हंजीरा गांव के अंदर इनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। जो खिलाड़ी है वो पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या अचीवमेंट हासिल किया। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब पहुँचाया, मेरे को मतलब उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, आगे खेलने के लिए बढ़ावा दिया। और उसके बाद मैं अपने कोचिज़ का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमने ये सब सीखा है, ये सब पाया है। और हमारी जो सब 43 सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट थी वो वेल्लोर में हुई तमिलनाडु के अंदर, जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें हमारे कोसा भी बहुत बड़ी भागीदारी थी कि उन्होंने हमें कुछ अच्छा सिखाया, उसी वजह से हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की तरफ से खेल रहे थे, हरियाणा की तरफ से खेले थे। कितनी टीमें और किन स्टेट की आई हुई थी वहाँ पर? वहाँ पर पूरे इंडिया की टीमें आई हुई थी, मतलब अलग अलग स्टेट की। ये 24 से 28 तारीख तक थी फरवरी को। हरियाणा की टीम ने 5 टीमों को लगातार हराया 3-0 से। फाइनल क्या स्कोर रहा? फाइनल स्कोर हमारे साथ गुजरात का मैच हुआ हमारे साथ, उसमें पहले दो सेटों में गुजरात को 15-15 से हराया गया। तीसरे सेट में गुजरात ने बाजी मारी, उसमें गुजरात के 24 और हमारे 22 रहे। हमारे कोचिज संदीप जानी के डांड से हैं और मुकेश कसनिया जो यहीं के नाथुसरी इंडियन रेलवे रेलवे के अंदर है, और इसके साथ साथ हमारे राहुल सांगवान को साहब जो कुरुक्षेत्र साई से है जो हमारे साथ गए हुए थे। हम यही संदेश देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा दे, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि जब बंदा खेल में चला जाता है तो उससे नशे से वो थोड़ा दूर हो जाता है, मतलब नशे से छुटकारा मिल जाता है उस बंदे को। हम ये टूर्नामेंट तमिलनाडु हुई थी वहाँ पर हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हो अपने जैसे युवा साथी? एक ही, मेहनत करो और आगे जाओ, बढ़िया करो कोशिश। हमारी टीम में फतेहबाद के थे, हम दो नसरी के थे, हंजीरा का था, और पानीपत के थे, कुरुक्षेत्र साई के थे। निखिल पुनिया जी बहुत बढ़िया वॉलीबॉल के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करता था पहले और अभी कोचिंग ले रहा था, तो इन्होंने हरियाणा लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। इसके लिए इनकी टीम को और पूरे खिलाड़ियों को और इनके कोच को हम तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहे हैं और गांव वालों ने, एरिया ने इतना स्वागत किया, उनका भी बहुत धन्यवाद है। तो हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का धन्यवाद जिन्होंने, जो स्टेट थी वो अपने एरिया में करवाई थी गाँव के रडान में सब जूनियर, इसमें लगभग 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और जिला फतेहाबाद की टीम उसमें फर्स्ट आई थी बॉयज़ में, और हमारे 4 लड़कों का सिलेक्शन राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था। हिस्ट्री क्रिएट की हरियाणा ने, काफ़ी साल बाद मेडल है दोनों इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स में, हमारी लड़कियां भी 3rd रही है और लड़के हमारे गोल्ड लेके आए हैं। बहुत अच्छा खेला, सबसे पहला मैच हमारा वहाँ आंध्र प्रदेश के साथ हुआ था, वो हमने 3-0 से जीता, फिर दिल्ली को हराया, फिर हमने जम्मू कश्मीर को हराया, फिर हमने सेमीफाइनल में यूपी को जो कि लगातार कई सालों से वहाँ के चैंपियन थी, एक तरफा 3-0 से बगैर कोई मुकाबले हमने हराया, और फाइनल हमने गुजरात को हराया। ये लगभग जी 10-12 साल के बाद आई है सर। गर्ल्स में मेडल आता रहता है लेकिन बॉयज़ में 10-12 साल के बाद आए, और एक साथ आज तक कभी मेडल नहीं आया बॉयज़ और गर्ल्स के, ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैं तो कोच दिन रात मेहनत करता हूँ, गवा का रोशन करते रहे और काम का स्वागत करिए। हाँ, धन्यवाद है फुल।
और बच्चा भी और करेगा और करेगा और डिकन लाग रही है लुगाइयां बताइयां सॉरी थापियां सारी और बच्चा भी मेहनत करो मेहनत और करो बच्चा मेहनत को रोशन होवे ना सो रो दूर मैं तो पिया को नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ लठा जी। और यहाँ बता दें कि इस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है, खेल के प्रति एक बढ़ावा, पैंतालीसा क्षेत्र के अंदर एक बड़ा सुखद एक मैसेज जा रहा है, क्योंकि इस तरह के पूरे एरिया के अंदर अब से पहले नशे का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, और इस तरह के जो ये आयोजन किए जाते हैं और उसके बाद जो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं तो उनका जो समारोह स्वागत किया जाता है वो एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि इस तरह से कंपटीशन की भावना पैदा होगी और जो युवा है जो नशे के प्रति आकर्षित हो चुके हैं वो अभी इस तरह के आयोजनों से खेलों के प्रति आकर्षित होंगे, और क्षेत्र के अंदर नशे की जो वृत्ति बढ़ी हुई है उस पर कहीं ना कहीं एक हिसाब से नकेल कसी जाएगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।